नमस्कार सबको, मैं विनय पांडे ग्वालियर से जुड़ा हुआ हूँ जेना आउटरीच फाउंडेशन के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जिसका नाम है कविता, गजल, शायरी, एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति। आज खुशी की बात यह है कि मुझे ये मौका मिला है इसे अटेंड करने का या इसे होस्ट करने का। ये अपने आप में ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हालांकि आज ऐसा लग रहा था कि शायद ये इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये संभव हो पाया है कि इसको जूम पे डायरेक्ट रिकॉर्ड किया जाए। तो सभी सदस्यों का मैं बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शुरू करता हूँ आज का टॉपिक। आज का विषय हमने चुना है स्वरचित पंक्तियाँ सप्रसंग। मतलब कुछ अपनी रचनाएं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और उनके संदर्भ, उनके प्रसंग को भी मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। और हमारे साथ हैं श्री अशोक बख्शी जी और श्री राजीव आनंद जी। मैं चाहूंगा कि वे दोनों ही इन पंक्तियों पे अपनी आलोचनाएं हों, अपनी अपने महत्वपूर्ण सुझाव हों, जो भी उनको सही लगे जरूर ज्ञापित करें। इससे हमें बड़ी खुशी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो सबसे पहले जो मैंने कविता ली है वो उसका संदर्भ मैं पहले आपको बता दूं। ये इनफैक्ट एक दिन मैं वैसे ही एक चौराहे पे था और सुबह का टाइम था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के बीच एक जोड़ा ऐसा था जो एक बुजुर्ग थे और एक उनके साथ उनके या तो नाती या पोते होंगे। मतलब एक जनरेशन छोड़ के, मतलब एक ग्रैंडसन और एक उनके दादाजी या नाना जी जो हो, दोनों इतने मस्ती में जा रहे थे। इस तरह से उनका अपीयरेंस था, इस तरह से उनकी भाव भंगिमा थी कि उनके मौज को, उनके मस्ती को देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं अपने आप में बहुत ही संतुष्ट हुआ कि आजकल के परिवेश में भी, आजकल के जमाने में भी जिस तरह से अपने अपनी संस्कृति वगैरह बहुत तेजी से बदल रही है, तो ऐसे समय में भी इस तरह के दृश्य देखने को मिले तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। दोनों इतने खुश होके, इतने मजे में जा रहे थे कि मैं काफी देर तक देखता रहा उनको। जितनी देर तक या जितनी दूर तक मैं देख पाता उनको देखता ही रहा। और मेरे मन में फिर बहुत सारे विचार उठने लगे कि क्यों ना इस पे कुछ पंक्तियां बना दी जाए ताकि ये बाद में भी हम स्मरण में ला सकें और उस ऊर्जा को दोबारा फील कर सकें। तो फिर मैं जब ऑफिस गया, बैठा, तो मुझे फुर्सत मिल गई और कुछ पंक्तियां मैंने उस पर बनाई। और इसका शीर्षक देने की बात आई तो मैंने सोचा कि एक युग्म शब्द होता है, तो बोलते हैं दृष्टिगोचर, जो हम देख पाते हैं, तो उसी से कुछ मिलता जुलता मैंने इसका शीर्षक दे दिया। मैंने इसका शीर्षक दिया शिष्ट गोचर, क्योंकि इस पूरे एक्ट में शिष्टाचार बहुत दिख रहा था मुझे। आपसी लगाव, आपसी जो क्या कहेंगे उसको, इंटरनल जो इंटरनल या इंटरनल जो फीलिंग थी दोनों की, दादा पोते की, वो बिल्कुल शिष्टाचार के दायरे में था। तो हमने इसका शीर्षक दिया शिष्ट गोचर। अब मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, कुछ पंक्तियां जो हमने रचित की थी उस दिन। सुने कि एक किशोर अपनी मस्ती में, एक किशोर अपनी मस्ती में दिखा साथ अपने दादा के, एक किशोर अपनी मस्ती में दिखा साथ अपने दादा के, वयोवृद्ध थे लेकिन फिर भी तेवर दिखे तने दादा के। काफी एजेड थे वो, मेरे ख्याल से 80-80 के होंगे, लेकिन फिर भी एकदम तने हुए। अगली पंक्तियां हैं कि था रखे बाहें किशोर वो, था रखे बाहें किशोर वो कंधे पर अपने दादा के, दोनों अपनी धुत में धुन में धुत हो चलते जाते बिन वादा के। दादा हंसते खिलखिलाकर, दादा हंसते खिलखिलाकर लिए सहारे सहजादा के, ऐसा मधुर मेल नहीं देखा, देखा केवल नर्मदा के। ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेमी जा रहे हों बड़े उल्लास में, आंतरिक खुशी के साथ।
ऐसे लगते जैसे हमदम, ऐसे लगते जैसे हमदम चित्रपट श्याम सादा के, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में हम देखा करते थे उस तरह से बहुत ही मर्यादा के अंदर, ऐसे लगते जैसे हमदम चित्रपट श्याम सादा के, क्या ही दुर्लभ दिव्य दृश्य था, क्या ही दुर्लभ दिव्य दृश्य था अंतर्गत एक मर्यादा के। और अंतिम चार लाइनें हैं कि इस युग में हो गए धन्य हम, इस युग में हो गए धन्य हम देख भाव अमीर ज्यादा के, बस इतनी कुलीनता शेष हो हम मोहताज नहीं ज्यादा के, बस इतनी सी कुलीनता शेष हो हम मोहताज नहीं ज्यादा के। मतलब इतनी कुलीनता, इतनी शालीनता अगर हमारी इस पीढ़ी में बनी रहे तो हम इससे ज्यादा के मोहताज नहीं है, ये पर्याप्त है हमारे संस्कृति को बचाए रखने के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक रचना थी अशोक सर, जो मैंने आपको संदर्भ बताया किस संदर्भ में और किस परिवेश में मैंने इसकी रचना की। अब मैं चाहूंगा कि आप अपने दो शब्द बताएं। बहुत बढ़िया, एक तो हम आपकी दाद देंगे, आपके नजरों की, आपके जो आपने मतलब भीड़ में जो भाव पूर्वक एक अलग ही दृश्य देखा और उसकी हम दाद देंगे आपकी। बहुत फिर आपने जो पंक्तियां लिख दी बैठकर वो भी एक बड़ा मतलब बहुत शुक्रिया देते हैं आपके हम उसके। और आप ठीक कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में ऐसा दृश्य देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत दुर्लभ। जिस कदर जिस तेजी से जमाना बदल रहा है और हमारे आपस के रिलेशन बदल रहे हैं और मतलब ये चीज एक तरह से बहुत रेयर हो गई है, देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल। ये तो इस तरह के दृश्य पे अगर नजर पड़ी अनायास वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बड़ा सुखद था, बहुत सुखद था। सुन के आपने उसको जो है पंक्तिबद्ध कर दिया और बड़े सुंदरता पूर्वक उसको दर्शाया, और सिर्फ सुनने में नहीं मतलब हम उसको देख भी रहे हैं, एक तरह से सुन रहे हैं और विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। कविता का यही गुण होता है, वो शब्द चित्र बन जाता है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल, अंतर के भाव जो है वो चित्र के समान उभर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खाली श्रवण नहीं हो रहा, देख भी रहे हैं उसको, विजुलाइज कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बनाया। यही कोशिश रहनी चाहिए जब हम कविता बनाते हैं तो, हाँ जी, यही कोशिश रहनी चाहिए कि जो उसको पढ़े या सुने तो वो उसको विजुलाइज कर पाए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब वो थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं। हाँ। और अब हम थोड़ा सा जाते हैं तकलीफों की तरफ, गम की तरफ, चोट की तरफ। एक बार देखिए, मूड अजीब अजीब सा रहता है आदमी का। तो एक दिन मैंने कुछ लाइनें लिख दी थी जिसका शीर्षक हमने दिया था चोटें। अच्छा, चोटें जी। अब ये जीवन है, इसमें सुख दुख आना जाना लगा ही रहता है। बिल्कुल। किसी बात का गम हो जाता है, कोई बात दिल में चुभ जाती है, कभी कोई छोटी सी चीज खुशी दे जाती है, वो भी चीज है। तो रंग बिरंगा है, ये रंगीन जीवन है और यही जीवन की खूबी है। जीवन में दोनों ही चीजों का समावेश जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो दुख तकलीफ है, गम है, नाराजगी है, ये सारी चीजें हमें सुख का, खुशी का आभास करने में मदद करती हैं। हाँ, ये अगर ना हो तो फिर हम अच्छे पलों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम शायद अंतर को नहीं समझ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो इन सब चीजों का भी होना जीवन में जरूरी है। तो जैसे कि एक फिल्मी गाना था, मुझे एक किसी पाकिस्तानी सिंगर का गाया हुआ है, अभी रिसेंट का ही है, कि मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। आपने शायद बहुत प्रचलित सॉन्ग था ये। तो वही चीज है, मोहब्बत भी जरूरी है और बिछड़ना भी जरूरी है, दोनों चीजें साथ साथ चलती रहे तो अच्छा है। बस ये है कि
भराव होता रहे, कभी कोई तकलीफ हो, कोई गम हो, तो वो दर्द भर जाए, वो तीस मिट जाए, बस ये जरूरी होता है। किसी भी माध्यम से, किसी के सौजन्य से, किसी के सौहार्द से हमें वो आराम मिलने लगे, बस ये जीवन में जरूरी है। करेक्ट। तो मैं सुनाना चाहता हूँ इस कविता को, जिसका शीर्षक है चोटें। ये ऐसे शुरू हो रहा है, चलो आज दर्द गिनते हैं, चलो आज दर्द गिनते हैं, काफी अरसों से बेहिसाब जो हैं, चलो आज दर्द गिनते हैं, काफी अरसों से बेहिसाब जो हैं, आओ फिर घावों को देखते हैं, आओ फिर घावों को देखते हैं, कुछ भर गए कुछ खराब जो हैं। वाह, कुछ घाव भर गए हैं, कुछ अभी भी कच्चे हैं, उन तीसों को याद करते हैं, उन तीसों को याद करते हैं, आज भी लाइलाज जो हैं। वाह, कुछ कतराए गम भी हैं, कुछ कतराए गम भी हैं, सब आज बेनकाब जो हैं। और कुछ अश्क हैं लुढ़के पड़े, कुछ अश्क हैं लुढ़के पड़े, बन गए वो आप जो हैं, कुछ अश्क हैं लुढ़के पड़े, बन गए वो आप जो हैं, ठेस भी कुछ कम नहीं, ठेस भी कुछ कम नहीं, याद आने को बेताब जो हैं। वाह, और थपेड़ों की तो भरमार है, थपेड़ों की तो भरमार है, हो गए एक सैलाब जो हैं, हो गए एक सैलाब जो हैं, कुछ कुछ चुभन फुसफुसाती हैं, कुछ चुभन फुसफुसाती हैं, छोटी होती हैं लेकिन चुभती बहुत ज्यादा है, हाँ जी, कुछ चुभन फुसफुसाती हैं, अचानक बेहिजाब जो हैं, और चिटकी कुछ उदासियां हैं, चिटकी कुछ उदासियां हैं, कहती हाजिर जवाब जो हैं। आखिर कितने रंज होंगे, आखिर कितने रंज होंगे, अपने आप में नायाब जो हैं। और कुछ एक बेहोशियां भी हैं, कुछ एक बेहोशियां भी हैं, बेहोशियां भी हैं, हाँ, नशा एक शराब जो हैं, तमाम सवालात रखे हैं, तमाम सवालात रखे हैं, ये सारे बेजवाब जो हैं, इनके जवाब ही नहीं। कांटों को भला गिने कैसे, कांटों को भला गिने कैसे, दिख जाते गुलाब जो हैं, कांटों को भला गिने कैसे, दिख जाते गुलाब जो हैं, पर्दा करें उन सब पर अब, पर्दा करें उन सब पर अब, ये लब हैं लाजवाब जो हैं, ये लब हैं लाजवाब जो हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। अंत में कोशिश ये रही कि उन सारे गमों को, दुखों को, तकलीफों को भूल जाए हम, और कांटों को ना ध्यान में लाएं, गुलाब को देखें, उसकी खुशबू लें, उसकी सुंदरता देखें, और समय जो अभी का वर्तमान है हमारा वो अच्छा है तो सब अच्छा है। भूतकाल में अगर कुछ ऐसा हो भी गया, कोई परेशानी रही, कोई तकलीफ रही, उन सबको भूल के हमें वर्तमान में जीने की सीख लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। ये था बहुत, ये दूसरी लवली, वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भी आपने बड़ा बखूबी, एक तरफ तो दर्द गिनाया, दूसरी तरफ उसकी मलम भी दिखाई, और निगेटिव में भी पॉजिटिविटी देखें जी, इसका बड़ा आभास कराया। क्योंकि आदमी निगेटिव रह के भी पॉजिटिविटी, मतलब उम्मीदों में दुनिया चल रही है जी, बिल्कुल, अगर कम है तो खुशी की भी उम्मीद होनी चाहिए, खुशी की भी उम्मीद है, और उसी से इंसान चलता रहता है, नहीं तो खाली गमी गम से तो फिर जिंदगी खत्म हो जाती है। हाँ, इसलिए ये फिर तो सस्टेन ही नहीं कर पाएगा आदमी। उस पे वही गाना बनाया जाए ना, कभी खुशी कभी गम, जी जी जी, वो भी इसी तरह इसी लहजे बनाया जैसे आपने सुनाया है, और बड़ा बखूबी आपने इसको दर्शाया है। ब्यूटीफुल, लवली।